ये है 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर एंड हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। सो एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स को ट्रैक करते हैं कि अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश की, उसकी सेटिस्फैक्शन समझा, वो किस तरीके से डिमांड क्रिएट करता है, डिमांड कैसे बिहेव करती है, वो सब समझा। उसके बाद हमारे पास आ गए चैप्टर्स जहाँ पे हमने प्रोड्यूसर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट कैसे काम करती है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, रेवेन्यू किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम अटेन करता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मार्केट में जो सप्लाई 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 होगी, जो चीज़ डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रही है, वो किस तरीके से बिहेव करती है, उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि डिमांड, अगर हम याद करें डिमांड का क्या मतलब था, जब हम डिमांड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट चीज आती है मांग करना। लेकिन हमने समझा कि इकोनॉमिक्स में आप डिमांड कहोगे जब आप किसी चीज की मांग कर रहे हो, यानी कि विलिंगनेस शो कर रहे हो कि मुझे चीज चाहिए, लेकिन आपको उस चीज को खरीदने के आपके पास पैसे भी होने चाहिए, यानी कि परचेजिंग पावर और विलिंगनेस जब मिल जाती है तभी डिमांड क्रिएट होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि सप्लाई क्या होता है, तो सप्लाई होता है जब एक प्रोड्यूसर की विलिंगनेस मिल जाती है सप्लाई करने से, यानी कि वो मार्केट में सामान बेचना चाहता है गिवन प्राइजेस पे, तभी हम उसे क्या बोलते हैं कि ये सप्लाई है। पढ़ते हैं देखो, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नो, समझो इस बात को कि कहना क्या चाह रहे हैं। सप्लाई वो नहीं है जो प्रोड्यूसर इकोनॉमी के अंदर सामान बना रहा है, उसे सप्लाई नहीं कहा जा रहा। जो सामान प्रोड्यूसर मार्केट में भेजने को तैयार है गिवन प्राइजेस पे, सिर्फ उसे ही सप्लाई कहा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने 100 यूनिट्स कूलर के प्रोड्यूस करके रख लिए, तो आप कहोगे कि मैं इकोनॉमी में 100 यूनिट्स का सप्लाई करूं। गलत, मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं लेकिन मुझे पता है कि अभी चल रही हैं सर्दियां, सर्दियों में कूलर के प्राइजेस बड़े कम होते हैं, तो मैंने सोचा ज्यादा कूलर नहीं बेचेंगे, कम ही कूलर बेचेंगे, 10 ही कूलर बेचेंगे, बाकी सारे ना गर्मियों के टाइम निकालेंगे कूलर, गर्मियों के टाइम महंगे बिकेंगे कूलर। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ 10 कूलर को ही क्या कर रही हूँ, मार्केट में भेज रही हूँ, यानी कि सप्लाई यहाँ पर क्या बन जाती है, ओनली 10 बनती है। ये जो 100 है आप इसे सप्लाई नहीं बोलोगे, ये प्रोड्यूसर के पास पड़ा हुआ सामान है, इसे हम बोलेंगे स्टॉक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि सप्लाई स्टॉक और क्वांटिटी सप्लाइड आपस में अलग कैसे हैं। सप्लाई का मतलब हमने क्या समझा कि गिवन प्राइजेस पे जितना सामान हम मार्केट में भेज रहे हैं, एक प्रोड्यूसर मार्केट में भेज रहा है गिवन प्राइस पे। स्टॉक का हो गया जो सामान प्रोड्यूसर के पास पड़ा है, अब आप कहोगे सेम ही तो बात है, सप्लाई में भी वो क्या कर रहा है, जो उसके पास पड़ा हुआ है वही तो बेचेगा, स्टॉक में भी क्या उसके पास पड़ा हुआ सामान की तो बात हो रही है। नहीं, ध्यान से इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्या मतलब बन रहा है समझो। एग्जाम्पल पे ही रहो, हम क्या बेच रहे हैं, कूलर बेच रहे हैं, हाँ या ना, कितने कूलर बनाए हैं, 100। अब ये 100 कूलर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोड्यूसर के पास, लेकिन 100 में से मार्केट में कितने भेजे गए हैं, ओनली 10 पीस। ये 10 पीस मार्केट के लिए क्या बनेगी, सप्लाई बन जाएगी। किसको बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, सप्लाई और स्टॉक में सेपरेट करो, सेपरेशन क्रिएट करो। स्टॉक है जो प्रोड्यूसर के पास सामान पड़ा हुआ है, लेकिन गिवन प्राइजेस पे जो वो मार्केट में बेचना चाह रहा है उसे सप्लाई कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सर्दियों में कूलर का प्राइस चल रहा है ₹5,000, इस पे मैं 10 ही पीस बेचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब गर्मियों में प्राइस 10,000 हो जाएगा, बाकी की क्वांटिटीज में क्या करूंगी, तब सेल करूंगी ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। स्टॉक 100 है लेकिन सप्लाई वेरी कर रही है, 5,000 पे सप्लाई कितनी है, 10 पीस, 10,000 पे मैं कितना सप्लाई करूंगी, 90 पीस। किसको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, सप्लाई बोल रही हूँ। स्टॉक किसे बोल रही हूँ, जो सामान प्रोड्यूसर के पास पड़ा हुआ है। अब सप्लाई के थोड़ा और अंदर घुसते, स्टॉक समझ में आ गया ना, इसे बाहर निकालो, सप्लाई के थोड़ा और अंदर घुसते, हमने क्या बोला कि ये क्या है, सप्लाई है। अब मैं बोल रही हूँ सप्लाई नहीं,
ये क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड है। आप कहोगे यार ये क्या, अभी तो समझा था, अभी फिर कंफ्यूज हो गए। अभी तो आपने बोला है सप्लाई, अब बोल रहे हो ये क्वांटिटी सप्लाइड, फर्क क्या है? सप्लाई में भी तो यही बोल रहे हो, इतना सामान जा रहा। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब भी तो यही निकलेगा, इतनी क्वांटिटी सप्लाई हुई। फर्क क्या है? फर्क ये है, याद करो जब हम देखो सप्लाई का चैप्टर बहुत आसानी से समझ आएगा अगर डिमांड क्लियर है तो, क्योंकि वहां से हम रिलेट कर करके चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। डिमांड भी कैसे काम कर रहा था? डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या होती थी? जब हम बात कर रहे थे कि अलग 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 प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसकी बात कर रहे थे, तब हम बोल रहे थे कि क्वांटिटी डिमांडेड है। इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि मैं इसे पढ़ूंगी कैसे, 5000 रुपीज पे क्वांटिटी सप्लाइड है 10 पीस, 10,000 रुपीज पे क्वांटिटी सप्लाइड है 90 पीस। लेकिन अगर मैं बात करूं जो भी प्राइजेस गिवन है अलग 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 उनके अगेंस्ट जो भी अलग 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 क्वांटिटी सप्लाइड है, अगर मैं इसको साथ में देख रही हूँ, इन टुगेदर देख रही हूं, तो मैं बात कर रही हूं कि कूलर का सप्लाई कैसा है। ये सारा क्या है? कूलर का सप्लाई है। एक पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट जो क्वांटिटी बेची जा रही है उसको हम बोल रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई। ये फर्क है सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में। यानी कि सप्लाई एक बिगर टर्म है, एक बिगर अम्ब्रेला है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड उसके नीचे आ रही है। वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड को जोड़ के या सारी क्वांटिटी सप्लाइड को जोड़ के आप क्या बना लेते हो? सप्लाई बना लेते हो। बोलो टर्म्स तीनों क्लियर हो गए? हाँ या ना। सप्लाई क्या है? मार्केट के प्राइजेस पे अलग अलग गिवन प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर विलिंग है सप्लाई करने की। हो सकता है उसके पास 100 पीस पड़ा हो लेकिन वो सप्लाई सिर्फ 10 ही करना चाहता हो गिवन प्राइजेस पे, तो ये 10 पीस हमारे लिए क्या बन जाएंगे? सप्लाई बन जाएंगे। जो प्रोड्यूसर के पास सामान पड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। और जो एक पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है उसको हम नाम देंगे क्वांटिटी सप्लाई। इतनी बात हम सबको बिल्कुल क्लियर है। देन वी गोना टॉक अबाउट स्केड्यूल कैसा दिखेगा, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो जैसे डिमांड इंडिविजुअल की होती थी, मार्केट की होती थी, उसी तरीके से सप्लाई में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई कर रहे हो उसे जब देख रहे हो तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बन जाएगा। जब अलग 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 सप्लायर्स जो जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो उसे एक साथ जोड़ कर देख रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बन जाएगा। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है स्केड्यूल में। सबसे पहले यहां पे जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी, जब प्राइस 10 हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस 15 हुआ तो क्वांटिटी और बढ़ गई, प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी और बढ़ गई। ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो? डिमांड याद करो, डिमांड कैसे होती थी? प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा था, आइसक्रीम पहले 10 रुपए के 10 मांग रहे थे, आप आइसक्रीम 20 रुपए की हो गई तो आपने घटा के 5 ही मांगी। क्या करते थे? जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज करते थे वैसे वैसे आप अपनी डिमांड को क्या कर लेते थे? डिक्रीज कर लेते थे। यहां पे क्या हो रहा है? प्राइजेस जैसे जैसे बढ़ रहे क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर रही है? वैसे वैसे इंक्रीज कर रही है। यानी कि हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे चीज का दाम महंगा होगा प्रोड्यूसर ज्यादा सामान बेचना चाहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात तो है। अगर आप एक प्रोड्यूसर है तो जैसे जैसे आपको आपकी चीज का और महंगा दाम मिलेगा आप तो खुश हो जाओगे। आप आलू बेचते हो, आलू पहले बिकते थे 5 रुपए में, फिर बिकने लगे 10 में, फिर बिकने लगे 20 में, अब बिकता है 100 में, तो आप ज्यादा आलू लेके आओगे ना, 100 रुपए आलू है, बहुत सारे बेचेंगे, आप ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो, इसलिए आप क्या करोगे? अपना सेल इंक्रीज कर दोगे। तो बेसिकली प्राइजेस के बढ़ने से जो सप्लायर्स है वो क्या करते हैं? अपना सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से प्राइस एंड सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होगा। डिमांड की अगर बात करते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन था। प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट जाता था, प्राइस घटा है डिमांड बढ़ जाता था। सप्लाई में क्या होगा? अगर प्राइजेस कम मिल रहे तो सप्लायर ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइजेस ज्यादा मिल रहे हैं तो सप्लायर्स बेचने में इंटरेस्टेड होंगे।
हाँ है ना, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। मार्केट में क्या होगा? कुछ नहीं, जो इंडिविजुअल था ऐसे दो तीन चार इंडिविजुअल्स को आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, उनको क्या कर दोगे, उनकी जो भी सप्लाई है उसे एड टुगेदर कर दोगे, 0+0=0, 10+5=15, 20+10=30, 30+15=45, एड टुगेदर कर दोगे सारी सप्लाई को गिवन प्राइजेस के साथ। हम क्या देख पाएंगे कि मार्केट सप्लाई किस तरीके का, इसी को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सप्लाई का स्केड्यूल बन जाएगा। ये बना है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, प्राइजेस आ जाएंगे, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएंगी, क्वांटिटीज आ जाएंगी। ये मेरा क्या बन गया, सप्लाई कर्व। ये कैसा शेप का है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है? क्योंकि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज है, प्राइस एंड सप्लाई, वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। एक साथ क्या कर रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं, एक साथ क्या कर रही हैं, नीचे गिर रही हैं। इसीलिए हमारा सप्लाई कर्व क्या बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। इसकी बात करें मार्केट सप्लाई में, येलो में आपके पास समझ लो ए सप्लायर की चीजें हैं, अगले येलो में, लाइट येलो में आपके पास बी सप्लायर की चीजें हैं, पर्पल क्या, इन दोनों को सम टुगेदर करके जो आपका मार्केट सप्लाई बना है उसकी वैल्यू है। हाँ है ना, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। यहाँ पर प्राइजेस आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर हमें समझ आ गई तो अब हम शेप पे बात कर सकते हैं। हाँ है ना, क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जब भी हमारे पास कोई ग्राफ आएगा तो हम कर्व तो डिकोड करेंगे ही ना, कि कर्व हमें शो क्या कर रहा है, सप्लाई कर्व की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो हमारे पास कर्व है इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो अपने को डिटरमाइन करने का ही है। किसी भी कर्व की, चाहे कोई भी ग्राफ है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम काफी बार बात कर चुके हैं इस बारे में। आपको सिंपल सी चीज देखनी है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हाँ है ना। जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किए तो देखो वाई में कितना चेंज आया, और चेक करो एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। इस चेंज की वैल्यू को कर लो कैलकुलेट, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, आपके स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं क्या करूं, मेरे प्राइजेस, यहाँ पे पी एक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्यू एक्स है हमारे पास, मैं देख लूं कि मेरे प्राइस में कितना चेंज आए, एंड मैं देख लूं कि मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज आए, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे स्लोप की वैल्यू कितनी है। तो इसे हम कैसे लिख देते हैं, कि किसी भी कर्व का अगर आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे कि वाई एक्सिस में कितना चेंज है एंड एक्स एक्सिस में कितना चेंज है। यहां पर रेशियो किसका निकलेगा, प्राइस में कितना चेंज है, क्योंकि वाई में कितना है, वाई में क्या है, प्राइस ही तो है, एक्स में क्या है, क्वांटिटी तो है। तो आप देखोगे प्राइस में कितना चेंज है, देखोगे क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज है, उसका क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे, यानी कि डिवाइड कर दोगे। कुछ नहीं किया यहाँ पे हमने, जब आप ये चीज कर रहे हो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप प्राइस के चेंज को क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आप पता करना चाहते हो कि अगर वन क्वांटिटी है, वन क्वांटिटी बदलती है, तो प्राइस में कितना चेंज आया, बेसिकली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, चार टॉफीज हैं, दो बच्चे हैं, हाँ या ना, तो हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, हर बच्चे के हिस्से कितनी टॉफी आई, दो टॉफी आई, हाँ या ना, दो बच्चे हैं, चार टॉफीज है, दोनों बच्चों के हिस्से कितने, दो दो टॉफीज है। क्या किया हमने बेसिकली, जब हमने ये डिविजन परफॉर्म किया, हम कर क्या रहे, हम न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में बांट रहे हैं, जिससे हमें पता क्या चलेगा कि एक बच्चे के हिस्से कितना न्यूमिरेटर आ रहा है, कितना आ रहा है, दो आ रहा है। यहां पर भी जब आप वो चीज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो प्राइस से, यानी कि आप पता करना चाहते हो जब क्वांटिटी में एक यूनिट का चेंज आ रहा है तो कितना प्राइस में चेंज आ, सिंपल एज दैट। हाँ या ना, किसको बात समझ में। तो मान लेते हैं कि हमारे प्राइस में चेंज आया दो यूनिट्स का, क्वांटिटी में चेंज आया दो यूनिट्स का, तो जब हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं क्या आ जाएगा, 2/2, यानी कि एक रुपया बदलने से एक ही क्वांटिटी में चेंज आता है। ये हमें क्या देगा, हम इसे रीड कैसे करेंगे, कि क्वांटिटी में एक यूनिट का चेंज कब आता है, जब प्राइस में क्या आता है, एक का चेंज आता है। As a simple as that. ये कर रहे हो जब आप division perform कर रहे हो तो। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई, slope की value निकल जाएगी हमारे पास, हाँ या ना, ये हमारे पास क्या है, slope of supply
कर्व। नाउ अब नोट क्या कर सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। हाँ या ना, स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि जो ये चेंज आ रहा है ये कांस्टेंट रहेगा। जो यहां पर वैल्यू आएगी ना आपकी, जब भी आप चेंज देखोगे एंड चेंज देखोगे, हमेशा कांस्टेंट आएगी। चेंज इन पी की वैल्यू मान लो 2 है, चेंज इन क्यू की वैल्यू मान लो 2 है। इसके लिए भी जब आप ये चीज कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास हर बार चेंज इन क्यू कितना आएगा 2, चेंज इन प्राइस कितना आएगा 2। क्योंकि चेंज कॉन्स्टेंट है इसीलिए हमारा जो सप्लाई कर्व बन रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एक लीनियर रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, ना चेंज होने वाला रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। जरूरी नहीं है टू टू ही हो, इस तरीके से भी हो सकता है कि प्राइस 4 हो एंड क्वांटिटी में चेंज 2 हो। हाँ या ना, वो भी हमेशा क्या होगा, इधर भी प्राइस में चेंज 4 होगा, क्वांटिटी में 2 होगा। इस पॉइंट के लिए भी प्राइस में चेंज 4 होगा, क्वांटिटी में 2। चेंज सेम रहेगा थ्रू आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो स्लोप है ऑफ सप्लाई, वो क्या बन रहा है, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बन रही है। बोलोगे इसको इतनी बात समझ में आ रही है, सिंपल है ना? देखो मेरा सजेशन क्या रहेगा पर्सनली, कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग सप्लाई फिर से काम करो, जाके डिमांड पढ़ो। सप्लाई का वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डिमांड पढ़ो, सप्लाई बुक उठा के पढ़ो, सप्लाई ऑटोमेटिकली समझ आएगा। डिमांड का वीडियो देखो, टॉपिक समझ आ गया, सप्लाई में सेम टॉपिक उठाओ उसे पढ़ो, सप्लाई आपको तुरंत समझ आ जाएगा। एडवाइस लेके देखो, नहीं समझ आया वीडियोस तो आई नहीं है, वीडियोस देख लेना। बोलो किसको बात इतनी समझ में आ रही है यहां तक हमने जो भी पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है। जैसे कि डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा था कि डिमांड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, पॉपुलेशन कितना है, रिलेटेड गुड के प्राइस कितने हैं, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। उसी तरीके से एक सप्लायर की सप्लाई को भी मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। उन सारे डिटर्मिनेंट्स को हम नाम क्या दे देते हैं, सप्लाई फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, सप्लाई फंक्शन है। इसमें PX स्टैंड्स फॉर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक खुद का प्राइस कमोडिटी का अफेक्ट करेगा सप्लाई को, रिलेटेड गुड्स का प्राइस अफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री कितनी है वो अफेक्ट करेगा, गोल क्या है फर्म का वो अफेक्ट करेगा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। नाउ द थिंग इज कि ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे तो करेंगे कैसे, एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहां पर मेरे पास क्या है, लेस के 2 पैकेट है। हाँ या ना, एक है 5 रुपए का, एक है 20 रुपए का। एज अ प्रोड्यूसर सोचो, कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर, आपको कौन सा पैकेट बेचकर ज्यादा खुशी मिलेगी, 5 रुपए वाला या 20 रुपए वाला? प्रॉफिट कहां ज्यादा आ रहा है यहां पर, खुशी कहां ज्यादा मिलेगी यहां पर। तो जब प्राइजेस हायर होंगे, आप क्वांटिटी सप्लाई क्या करना चाहोगे, इंक्रीज कर लोगे। व्हेन प्राइस इज हायर, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, सॉरी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर कम है तो आप सप्लाई क्या करना चाहोगे, कम ही करना चाहोगे। नाउ अगर हम बात करें रिलेटेड गुड्स की, मान लेते हैं ये हमारे पास गलत खुल गया, इसे चेंज कर लेते हैं वापस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या होता है कि समझ लो आपका चाय बेचने का काम है, ठीक है, आप क्या करते हो, चाय बेचते हो, तो चाय के सिमिलर नेचर वाली गुड क्या होती है, कॉफी होती है। चाय नहीं है तो कॉफी भी चलेगी, ऐसा बोल देते हैं अक्सर लोग। हाँ या ना, तो रिलेटेड गुड्स होती है कि आपकी अपनी गुड है लेकिन मार्केट में सिमिलर नेचर की और कौन कौन सी गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और एक हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, हमारे पास दो चीजें बनती है। एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपके गुड को जो गुड रिप्लेस कर दे, जैसे कि अगर कॉफी ना मिली, चाय ना मिली तो कॉफी चलेगी,
तो चाय को रिप्लेस कर दिया कॉफी ने। ऐसी गुड्स को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री होती है, चाय के साथ बिस्किट तो बनता ही है ना। तो बिस्किट क्या हो जाता है, चाय को कॉम्प्लीमेंट करता है, चाय के साथ जाता है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जो रिलेटेड गुड्स है वो हमारे पास दो तरीके के होती हैं। तो ये भी हमें क्या करेंगी, हमारी सप्लाई को अफेक्ट करेंगी। आप कहोगे कैसे अफेक्ट करेगी, अभी समझो इस बात को। मान लो कि मेरा क्या है, चाय बेचने का काम है, एंड किसी वजह से क्या हुआ, जो कॉफी के प्राइजेस हैं वो क्या कर गए हैं, जो कॉफी पहले 10 रुपए में मिलती थी अब वो 15 में मिल रही है। तो मैं सोचूंगी जब मेरे सब्स्टिट्यूट गुड वाला जो मार्केट है वो ज्यादा सप्लाई कर रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसने प्राइजेस बढ़ा दिए हाँ है ना, तो मैं अपने प्राइजेस को इंक्रीज क्यों ना करूं। जो चाय पहले मिलती थी 8 रुपए की, ये कहेंगे हम भी उसे कितने में बेचेंगे जी, 12 में बेचेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली क्या हुआ, रिलेटेड गुड ने क्या कर दिया, हमें भी अफेक्ट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा प्राइजेस होंगे तो हम सप्लाई भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे हाँ है ना। इस तरीके से जो हमारी रिलेटेड गुड्स है वो भी हमारे प्राइजेस को अफेक्ट कर रही है। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है वो भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करेंगी। अगर तो ऑब्वियसली फर्म कम है तो सप्लाई कम होगी, कितना प्रोडक्ट बनाएगी, 100, 200, 150। लेकिन अगर ज्यादा फर्म्स होंगी तो ये इंडिविजुअली 100, 200, 150, 400 ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की अगर फर्म्स क्या है, ज्यादा है। अगर फर्म्स कम है तो सप्लाई क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी हाँ या ना। और अगला फैक्टर हमारे पास क्या है, गोल क्या है फर्म का, प्रॉफिट कमाना गोल है या सेल ज्यादा करना गोल है। दो गोल्स आते हैं हमारे पास, एक फर्म को चूज करना होता है कि भाई हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ज्यादा या सेल ज्यादा करना चाहते हैं। अगर तो फर्म सोचेगी कि भाई सेल ज्यादा करनी है, तो सेल ज्यादा कब होगी, जब प्राइजेस कम होंगे। मैं एज अ सप्लायर तभी ज्यादा सामान बेचना चाहती हूँ जब प्राइजेस महंगे। देखो ध्यान से समझो, कंफ्यूज मत हो कि उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, देखो आराम से। एज अ प्रोड्यूसर मैं तभी ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करूंगी जब प्राइजेस क्या है, हाई है, क्योंकि मेरा उधर ही फायदा है। लेकिन अगर मेरा गोल है कि सेल बहुत ज्यादा हो, मेरी सप्लाई बहुत ज्यादा हो, तो मार्केट में डिमांड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एंड डिमांड ज्यादा कब होती है, जब प्राइजेस कम होते हैं। यानी कि अगर मेरा मुद्दा है अगर मेरा मुद्दा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेल करूं, तो मुझे अपने प्राइजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। प्राइजेस को रिड्यूस करूंगी तो सेल ज्यादा हो जाएगी हाँ या ना। लेकिन अगर मेरा मुद्दा है प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना, तो मैं वेट करूंगी कि यार जब प्राइजेस महंगे होंगे मैं तभी अपना सप्लाई क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी। तब तक मैं अपना सप्लाई क्या रखूंगी, कम ही रखूंगी। अगर प्रॉफिट मेरा गोल है तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, कम करूंगी। अगर प्राइजेस कम है तो जब प्रॉफिट वाला प्राइस आएगा तभी सप्लाई करूंगी। लेकिन अगर मेरा गोल क्या है कि भाई सेल करनी है ज्यादा से ज्यादा, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, कम में बेचना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेल ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। एज सिंपल एज दैट। गोल क्लियर करना पड़ेगा फर्म को कि हम सेल ज्यादा करना चाहते हैं या आइडियल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस में लाने का खर्चा कितना पड़ रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर हाँ है ना। तो इनको बिजनेस में लाने के लिए अगर तो कॉस्ट पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो मैं सब चीजों को उस क्वांटिटी में नहीं ला पाऊंगी। एंड ऑफ द डे मैं कम सामान बनाऊंगी, एंड ऑफ द डे मेरा सप्लाई क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन अगर कहीं से मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते मिल जाए, तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊंगी, सप्लाई क्या कर पाऊंगी, ज्यादा कर पाऊंगी गिवन प्राइजेस पे। कि अगर प्राइस समझ लो 10 रुपए है और मुझे खर्चा ही कितना पड़ रहा है, 8 रुपए पड़ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगी। लेकिन अगर मेरे को खर्चा किसी तरीके से 5 रुपए पड़ने लग जाए,
तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा 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 प्रोडक्ट बना पाऊंगी जितना मेरे पास पैसा है उतने ही पैसे में। सिंपल है ना? हाँ है ना। देखो इन चीजों को हम लोग रट्टा मारते तो मुश्किल लगेगा, अगर आप खुद को एक प्रोड्यूसर बना लो ना, सोच लो कि यार मैं ये चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं एक आइसक्रीम का प्रोड्यूसर हूं, तो जब मुझे सामान सस्ता मिलेगा तब मैं सप्लाई ज्यादा कर पाऊंगा, जब मुझे सामान महंगा मिलेगा, जो इनपुट्स है वो महंगे मिलेंगे, तब मैं सप्लाई क्या कर पाऊंगा, कंपेरेटिवली कम कर पाऊंगा। एज सिंपल इज दैट। अच्छा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर तो देखो टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन आ जाए, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, तो सप्लाई बढ़ेगा घट जाएगा, सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा। अगर किसी वजह से टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है तो सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस क्या, प्रोड्यूसर की नजर से सोचना है, कंज्यूमर की नजर से नहीं, प्रोड्यूसर हो आप, अगर आपको पता लग जाए कि जो मेरा प्रोडक्ट है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी गर्मी, तो आप सर्दी में सामान कम बेचोगे ज्यादा बेचोगे, स्टॉक करके रहोगे, गर्मी में बेचेंगे बहुत सामान बढ़ने वाला है। छोटा एग्जाम्पल सोचो, आपको टमाटर बेचने वाले सब्जी वाले, ठीक है, तो आपको पता है कि आने वाले 2 दिनों में, आपको पीछे से मार्केट कंडीशंस पता लग गई, आप मिडल मैन, पीछे से मार्केट कंडीशंस पता लगी कि टमाटर चल रहा है शॉर्ट सप्लाई में, आपने लगाया दिमाग, आपको लग गया पता कि यार शॉर्ट सप्लाई है, यानी कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले एक महीने में टमाटर के प्राइजेस बहुत महंगे होंगे, तो आपने क्या किया, आपके पास आज टमाटर है लेकिन आपने क्या किया, उसको स्टॉक करके रख लिया, कोल्ड स्टोर में डाल दिया, बोला यार एक हफ्ते बाद बेचूंगा, महंगा बिकेगा, अभी तो 10 रुपए में बिक रहा है, एक हफ्ते बाद जब शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी मार्केट में तो यही टमाटर 50 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में बिकेगा, तो आपने क्या किया, आपने देख लिया एक्सपेक्टेड प्राइसेस ज्यादा है फ्यूचर में, तो आपने अभी अपना सप्लाई रिड्यूस कर दिया। अगर आपको लगे यार फ्यूचर में तो टमाटर के दाम घटने वाले, गिरेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो, फटाफट इस टमाटर को बेच दो, अभी 20 रुपए में बिक रहा है, फटाफट सारा स्टॉक क्या करो, सप्लाई कर दो, क्योंकि फ्यूचर में ये क्या होगा, 20 में नहीं बिकेगा, 5 में बिकेगा। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस एक प्रोड्यूसर को लगेगा कि बढ़ने वाले हैं, तो वो सप्लाई को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, रोक लेगा, रिड्यूस कर देगा। अगर उसको दिखे कि फ्यूचर में प्राइसेस रिड्यूस होने वाले, तो वो सप्लाई को क्या कर देगा, अभी ही इंक्रीज कर देगा, कि अभी जितना पैसा मिल रहा है फटाफट इकट्ठा कर। किसको बात समझ में आ रही है, इस चैप्टर में कुछ नहीं हो रहा, खुद को एक प्रोड्यूसर बनाओ एंड सोचो कि आप कैसा बिहेव करोगे, वैसा ही कोई भी नॉर्मल प्रोड्यूसर भी अलग अलग सिचुएशन में बिहेव करे। बोलो इतनी बात किसको समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, टैक्सेस कैसे है, सब्सिडीज कितना मिल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेटिक है या नहीं, फेवर कर रही है हमारे बिजनेस को, ये सारी चीजें भी एक सप्लायर को अफेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, तो एक सप्लायर के ऊपर बोझ बढ़ेगा, तो वो सप्लाई ऑब्वियसली कम कर पाएगा, लेकिन अगर टैक्सेस रिड्यूस हो गए हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं, तो एक प्रोड्यूसर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, यानी कि उसको चीज सस्ती पड़ने लग जाएगी, जिस वजह से वो अपना सप्लाई क्या कर पाएगा, इंक्रीज कर पाएगा। इस तरीके से जो मल्टीपल हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, ये हमारी सप्लाई को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम कर रहा है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा था ना, कुछ उसी तरीके से क्या करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा, पर वो हमने एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, ये अब हम एक प्रोड्यूसर एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि कैसे काम कर रही है सप्लाई गिवन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।